हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो है कि आप अपने जी बोर्ड का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, और मैं आपको साथ में बताऊंगा कि आप उस थीम को चेंज करने के अलावा उसको बैकग्राउंड में एनिमेट कैसे लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो शुरू करने से पहले आप जरूर कहना चाहूँगा कि हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही में अगर आपको टेक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर ज़रूर फॉलो करें। और मैं उस पर क्योंकि रोज़ डेली अपडेट डालता रहता हूँ, जैसे कोई भी नया फ़ोन आने वाला है या कोई भी नया गैजेट, जैसे मी बैंड 5 का मैंने अभी रिसेंटली डाला था अपने पेज पर, और मेरे इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक आपको नीचे दे रखा है। और साथ में उसका यूज़र आई डी है KVA_ADVISC, और सब कुछ स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन में किसी भी जगह जाना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर नोट पे जाते हैं, नोट पे जाकर मैं नोट खोले यहाँ पर, जैसे ही आप अपना जी बोर्ड ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिलेगा पीछे मिडिल में। अब जैसे सेटिंग्स पर टैप करते हैं, आपको थर्ड पोजीशन पे ही आपको थीम मिल जाता है। अब थीम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर के थीम मिल जाते हैं। अब अगर आपको इनसे तो कुछ भी नहीं लगाना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी ब्लैक वाला थीम, तो ये कुछ ऐसा लग देता है। और अगर आप रेड वाला यूज़ करेंगे तो आपको रेड वाला, और अगर आपको थीम्स नहीं लगाना है, आपको लैंडस्केप लगाना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्केप भी इंच दे देता है, और आप नीचे और देख सकते हो। जैसे आप जैसे ही आप शो मोर पे क्लिक कर वैसे आपको और दिखा देगा। अब आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके लगा सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। क्योंकि अब ये डाउनलोड हो गया, और मैं जैसे इसे अप्लाई कर देता हूँ तो ये अब लग चुका है, जैसे टेक्स वाला साइन आप आ जाएगा इसका, तो आपको ये अच्छा कर सकते हैं कि लग चुका है। अब आपको बैक जाना है, एक तो बार बैक जाना है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल ही प्यारा सा लग रहा है। और इस ऐप के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब मेरे को यार सबसे अच्छा कीबोर्ड आ सकता है, मतलब अपने फ़ोन के सिस्टम वाले कीबोर्ड से ही बच सकता है, और थर्ड पार्टी अच्छों पर बैठती है। और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगी या बिल्कुल भी अच्छी लगी, तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी टेक रिलेटेड क्वेरी है या प्रॉब्लम है, आप हमें कैसे बता सकते हैं। और उम्मीद है आप सब लोग घर पर ठीक ही होंगे, आप गवर्नमेंट के रूल्स अभी मानते रहिए, क्योंकि भाई देखिए लॉकडाउन खुला भी जरूर है, मतलब थोड़ी रिहायतें दी हैं सरकार ने, मगर पूरी तरीके से नहीं खोला है, क्योंकि यार भाई अभी नहीं खोल सकते जब तक वैक्सीन नहीं आती। मैं आप सब लोगों से, सारे सब्सक्राइबर्स से, और सारे लोग जो भी देख रहे हैं, तो रिव्यू होता है, और जो भी मेरे कंट्री में रहने वाले मेरे बहन भाई हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में ही रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, गवर्नमेंट के रूल्स को माने। अगर गवर्नमेंट ने आपको रियायतें दी इनका इसका मतलब ये नहीं है उसको गलत यूज़ करें, आप घर में ही रहें, बच के रहें, और साफ सफाई से रहें, हाथ हाथ धोते रह रहे। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, स्टे सेफ।